देखो बच्चों, एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं हम 7.3। एक बात बताओ बच्चों, मैंने आपको पहले बताया है, कहीं पर भी आपके पास साइन स्क्वेयर एक्स आ जाता है, इंटीग्रेशन में कहीं पर भी आपके पास साइन स्क्वेयर एक्स आता है, तो आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे आप इसको? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अगर इंटीग्रेशन में कहीं भी आपको cos square x को इंटीग्रेट करना पड़ता है, आप क्या लिखेंगे? अपॉन टू cos 2x अपॉन 2। ठीक है, इंटीग्रेशन में कहीं पर भी आपके पास tan स्क्वेयर एक्स आता है, क्या लिखेंगे आप? secant स्क्वेयर एक्स माइनस वन। इंटीग्रेशन में कहीं भी आपके पास cot स्क्वेयर एक्स आता है, क्या लिखेंगे? ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद एक बात और बताइए आप मुझे बच्चों, अगर आप साइन 2x को इंटीग्रेट करते हैं, तो अब तक हम क्या करते थे? हम पुट करते थे tx को t के इक्वल पुट करते थे, यहां से 2 into dx हम फाइंड करते थे, ये क्या हो जाता था? dt के इक्वल। फिर हम dx की वैल्यू फाइंड करते थे और वो होता था dt अपॉन 2, करेक्ट। फिर अपने इसको हम क्या करते थे, साइन 2x को 2x को t पुट करते थे, यहां लिखते थे 2x के जगह t, और dx के जगह क्या लिखते थे? dt अपॉन 2। तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ cos t डिवाइडेड बाय 2 प्लस में सी। क्या ये आपको समझ आया? बताओ। ओके, अच्छा बच्चों, माइनस हाफ, ये बताओ मुझे, ये हाफ कहां से आया? ये हाफ कहां से आया? नीचे जो 2 है वो कहां से आया? हम कहें कि डिनोमिनेटर में 2 है, या कहें कि हाफ मल्टीप्लाइड में हाफ है, सो ये हाफ आया कहां से? बच्चों, ये जो कॉफिशियंट होता है यहाँ पर, इससे डिवाइड हो जाता है। मैं अगर टी की वैल्यू वापस डाल देता हूँ तो ये बनेगा माइनस ऑफ कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो बच्चों ये जो कॉफिशियंट होता है x का, इससे यहाँ डिवाइड हो जाता है। अगर मुझे डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करना होता साइन 2x को, तो मैं क्या लिखता बताओ जरा? साइन 2x का इंटीग्रेशन में क्या लिखता? मैं डायरेक्टली कर देता साइन का कॉस 2x, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स के कॉफिशियंट से मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता, तो यही आंसर आपके पास आता। ठीक है, अब आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए, सीख लिया आपने कहां से आया। यहां पर आप 2x को t पुट करेंगे, dt अपॉन 2 बनेगा, ये 2 वही नंबर था जो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाइड था। ठीक है, अगर आप साइन 3x को इंटीग्रेट कर रहे हैं dx, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे आप? माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस c। आप cos हाफ x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, cos हाफ x को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? साइन ऑफ हाफ x डिवाइडेड बाय हाफ प्लस c। बाद में ये हाफ रेसिप्रोकल हो जाएगा और न्यूमरेटर में टू बन जाएगा, न्यूमरेटर में लिख देंगे इसको इनटू टू। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बताओ जरा। टेन एक्स प्लस सी। अगर आप सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं,
सीकेंट्स के लिखने की बजाय आप लिखते हैं सीकेंट स्क्वायर 3x लिखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन बताओ बच्चों क्या होगा, बताओ। tan 3x अपॉन 3, x के कोफिशिएंट से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, समझ आया, इस टाइप से। बच्चों एक बात बताओ, आप x प्लस 1 को आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 को आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, x का इंटीग्रेशन आप अलग करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस में कांस्टेंट टर्म, ठीक है, x स्क्वायर बाय 2। और बच्चों यहां पर 2x प्लस 1 होता, या मान लो यहां 3 पावर होती, तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या करते, क्या लिखते, x प्लस 1 की पावर 3 होती तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते। देखो बच्चों इसमें आप x प्लस 1 को t पुट करते, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, dx इज इक्वल टू क्या लिखा जाता, dt। सो अब आपके पास ये क्या बन गया, dt t का क्यूब, पूरा लिखूं, दिस इज t क्यूब dt, करो इसका इंटीग्रेट, t 4 बाई 4 प्लस में सी, और t 4 क्या है बच्चों, x प्लस 1 टू द पावर 4, ठीक है, यही लिखेंगे। एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, मैं ये चाहता हूं कि मैं ये सब t वगैरह पुट नहीं करना चाहता, मैं सीधा इंटीग्रेशन लिखना चाह रहा हूं, तो बच्चों अगर ये लीनियर टर्म है तब तो आप ऐसा कर सकते हो, आप क्या लिखेंगे इसको, x प्लस 1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, समझ आया आपको। So, ये समझ आया, अगर x प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है तो क्या लिखोगे, x प्लस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, ये तो ठीक है बच्चों, दिस इज सिंपली लाइक दिस, x क्यूब dx, इसको भी तो हम ऐसा ही लिखते हैं, x 4 बाई 4 प्लस सी, करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ 2x प्लस 1 आ जाता और इसके ऊपर पावर 4 है, dx है, तब आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते, 2x प्लस 1 की पावर 4, देखो सिंपल यही कि अगर अंदर यहाँ लीनियर है तो डायरेक्ट आप इसकी पावर एक बढ़ा सकते हैं, 2x प्लस 1 और इसकी पावर कितनी, 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, 2x प्लस 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। एक चीज और, एक काम और करना है बच्चों, यहाँ पर ये जो x का कोफिशियंट है ना, ये भी यहाँ डिवाइड में आएगा, क्यों आएगा मैं बताऊं आपको, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते तो आप 2x प्लस 1 को क्या लेते, t, फिर आप 2 इंटू dx लिखते, दिस इज इक्वल टू क्या होता, dt, और dx क्या हो जाता, dt अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, ये आपके इंटीग्रेशन में लास्ट तक डिनोमिनेटर में आता, और वो 2 यही वाला 2 मैंने लिखा है। सो आप सिंपली ये देख सकते हो कि x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, वही डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, चले आगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें थी जो आप याद रखेंगे इस एक्सरसाइज 7.3 में। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, सो या तो आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आप लिस्ट बना के अपने पास रख लीजिए, ठीक है, और उसको जितना जल्दी हो उसके याद कर लीजिए, क्योंकि लिस्ट आप तब तक साथ में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको लिस्ट तो नहीं मिलने वाली है, ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी उनको याद करना है।
अब हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3, ठीक है, एक्सरसाइज 7.3। यहां से हमारी स्टार्टिंग हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस क्या करेंगे बच्चों। आज ही मैंने आपको बताया है कि इंटीग्रेशन में कभी भी आपके पास साइन स्क्वायर आता है तो साइन स्क्वायर को आपको किसको, साइन स्क्वायर को आप कौन से टर्म में चेंज करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2x साइन स्क्वायर। बताओ जरा क्या लिखेंगे आप साइन स्क्वायर को, 1 माइनस कॉस 2x, एक्स के जगह पे क्या है बच्चों, ये कंप्लीट 2x प्लस 5x के जगह पे है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 5 इंटू dx, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है यहां पर, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, याद रहेगा, कर लेंगे इसको याद। आई इज इक्वल टू हाफ को बाहर लिखिए, ठीक है, तो क्या बन गया आपके पास, 1 माइनस कॉस ऑफ, इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x प्लस 10 इंटू dx, ठीक है बच्चों। बताओ जरा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x cos ऑफ दिस, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन बताओ, sin 4x प्लस 10, ठीक है। अच्छा और क्या लिखेंगे यहां पर, x के कोफिशिएंट से आपको क्या करना है, डिवाइड अपॉन में लिखेंगे आप 4 प्लस में, ये आपका इंटीग्रेशन होगा। अगर आपको ये अपॉन में 4 नहीं क्यों आया ये समझ नहीं आता है, तो आप cos of 4x प्लस 10 इसको अलग से इंटीग्रेट करो, और 4x प्लस 1 को क्या ले लो, t ले लो, तो क्या आएगा 4 इंटू dx इज इक्वल टू dt, और dx क्या हो जाएगा बच्चों, dt बाई 4, ठीक है। अब देखो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन, सॉरी इससे पहले तो t पुट करेंगे ना, तो आप यहां पर साइन ऑफ क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, dx के जगह लिखेंगे dt बाई 4, तो 1 बाई 4 को मैं बाहर लिख देता हूं। अब बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई 1/4 भी है, अब आप टी की वैल्यू डाल दीजिए, तो ये 1/4 आपका नीचे आया डिनोमिनेटर में, ये वही 1/4 है जो यहां पर एक्स के साथ मल्टीप्लाइड था, समझ आया। इसलिए अब हम यहां पर इतना सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप ये ऐसे समझ लीजिए, यहां जो एक्स का कोफिशियंट है वो होल के डिवाइड में आएगा, ठीक है। 2 को आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। चले देखे सेकंड क्वेश्चन, बताओ जरा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल ऑफ साइन 3x कॉस 4x। देखो बच्चों जब कभी भी साइन ऑफ सम एंगल इंटू कॉस ऑफ सम एंगल मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो क्या करेंगे आप बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज थी,
टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, क्या ये आपको समझ आया? ठीक है, चलते हैं आगे। टू कॉस ए साइन बी, इसकी आइडेंटिटी बताओ जरा। टू कॉस ए साइन बी, टू टू कॉस, बच्चों यहां आएगा, सॉरी सॉरी क्या आएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगर बच्चों आपके पास आता है टू कॉस ए कॉस बी, आप इसको क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर बच्चों आपके पास आता है टू साइन ए साइन बी, क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, ये चारों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। ए प्लस बी करो भाई यहां पर, ठीक है बच्चों। इस पे भी हम कोई ऐसी ही आइडेंटिटी लगाएंगे, लेकिन वो आइडेंटिटी लगाने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो एक तो आप इसको टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, टू से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। और मेरी इच्छा क्या है, मैं ये चाहता हूं बड़े एंगल वाली टर्म पहले हो, ठीक है, क्योंकि जब ये माइनस बी करेंगे अदरवाइज वहां पर ब्रैकेट के अंदर साइन के एंगल के अंदर नेगेटिव बन जाएगा। तो मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि लार्जर एंगल वाली टर्म को हम पहले लिख लें, इसलिए कॉस फोर एक्स को क्या कर देते हैं, पहले लिख लेते हैं, कॉस फोर ए इंटू क्या है, साइन थ्री ए, क्या है आपको समझ आया? और हम ए क्यों लिख रहे हैं भाई, हमें तो एक्स लिखना होगा, ठीक है करेक्ट। दिस इंप्लाइज हाफ हो, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी, आइडेंटिटी लगाओ इस पे, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी बच्चों क्या होती है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि फोर एक्स प्लस थ्री एक्स सेवन एक्स माइनस, माइनस क्या होगा, ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी कि फोर एक्स माइनस थ्री एक्स एक्स। अब आप कक्षा ट्वेल्थ में है, ठीक है, तो इतना तो डायरेक्ट आप कर ही सकते हैं, मुझे 4x और प्लस 3x लिख के दिखाने की तो जरूरत आई थिंक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब कौन मुझे बताएगा साइन 7x का इंटीग्रेशन, बच्चों साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ दिस एंड डिवाइडेड बाई जो x का कोफिशियंट होता है, x का कोफिशियंट होता है, इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, माइनस, बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस कॉस एक्स और प्लस में क्या है सी, ठीक है बच्चों। हाफ को आप चाहो तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, ये आपका इंटीग्रेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, इसी सेकंड क्वेश्चन का एक्सटेंडेड क्वेश्चन है,
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चों अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या लिखा है, cos 2x cos 4x इंटू cos ऑफ 6x dx, ये है cos ऑफ 2x, cos ऑफ 4x एंड cos ऑफ 6x, करेक्ट। एक बात बताओ, cos 6x इस एंगल को आप पहले लिख लो, टेंडेंसी ये रखो कि लार्जर एंगल पहले हो ताकि जब a माइनस b करें तो नेगेटिव ना बने, ठीक है। साथ में एक छोटे वाला एंगल साथ में ले लो इसके, cos ऑफ 2x और cos 4x को थोड़ा सा सेपरेट कर दो, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको क्या बताया अभी अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया है, I इज इक्वल टू, बच्चों जब दो साइन या कॉस, साइन कॉस, कॉस साइन, साइन साइन, कॉस कॉस के दो एंगल मल्टीप्लाई में हो, साइन ऑफ समथिंग इंटू साइन ऑफ सम अदर थिंग, कॉस ऑफ समथिंग कॉस समथिंग अदर, या साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी टाइप की टर्म्स मल्टीप्लाई में हो, तो क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करना है। और अभी पीछे ही हम करके आए ये चार आइडेंटिटीज, इन चारों आइडेंटिटीज में से कोई एक आइडेंटिटी यहां पर यूज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11th, ठीक है। सो यहां पर अगर आप देखें तो कौन सी आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, बताओ टू कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन गया, कॉस ए प्लस बी, सिक्स प्लस टू एट एक्स, प्लस में कॉस ए माइनस बी, सिक्स माइनस टू फोर एक्स, बताओ ये समझ आया आपको। ये तो बच्चों ये ब्रैकेट वाली टर्म बनी है, टू कॉस, कौन सी आइडेंटिटी लगी, टू कॉस ए कॉस बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और साथ में यहाँ कॉस फोर एक्स मल्टीप्लाइड भी है, ये भी आप लिखेंगे साथ में, ठीक है बच्चों। आप क्या करें, दिस इज इक्वल टू हाफ, ये सब तो ऐसे रहेगा बच्चों, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ठीक है ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या लिखा जाएगा, कॉस एट एक्स, कॉस एट एक्स इंटू कॉस फोर एक्स, प्लस में यहां पर ये क्या लिखा जाएगा, जब ये कॉस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फोर एक्स, ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। अब बच्चों मैं क्या चाहता हूं, फिर से देखो कॉस की दो टर्म मल्टीप्लाई में आ गई, और जब कॉस साइन मल्टीप्लाई में हो या कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो या साइन साइन मल्टीप्लाई हो, तो जो पीछे सेकंड क्वेश्चन के साथ में मैंने चार आइडेंटिटी लिखी थी वही यूज करेंगे, करेक्ट। और उस आइडेंटिटी को लगाने के लिए यहां पर कॉस ए कॉस बी के साथ में टू भी होना चाहिए, तो टू से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टू से बच्चों मल्टीप्लाई किया तो टू से डिवाइड भी करना होगा, तो बाहर डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई अंदर किया है, अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले वाली टर्म कॉस से मल्टीप्लाई होगी और सेकंड वाली भी मल्टीप्लाई होगी, ये समझ आया आपको। ऊपर न्यूमरेटर में टू मल्टीप्लाई कर दिया, वो इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना होगा, इसलिए बाहर टू से डिवाइड कर दिया, दिस इज इक्वल टू 1/4। बताइए टू कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी फिर से बताइए, प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 8 प्लस 4 12x, प्लस में कॉस ए माइनस बी मतलब फिर से 4, 8 माइनस 4 4x, ठीक है बच्चों। आई थिंक ब्रैकेट को यहां मत लगाओ,
प्लस में ये टर्म एज इट इज रहेगी, क्या 2 cos square 4x into dx, कंप्लीट का इंटीग्रेशन है। अब आप मुझे बताइए बताओ अब बताओ क्या आप cos 12x को इंटीग्रेट कर सकते हैं? यस। 4x को cos 4x को इंटीग्रेट कर सकते हैं? यस। लेकिन cos square को इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते। मैंने आज ही बताया कि इंटीग्रेशन में जहां भी cos square आता है क्या लिखना है? 1 plus cos 2x upon 2। मैं इतनी बार बोलूंगा कि आप भूलना भी चाहें तो नहीं भूल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट टू टर्म है, इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है, यानी कि हम इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हम किसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? cos square का। इसलिए इसको क्या लिख देंगे? अच्छा बच्चों, ये 2 जब इधर आ जाता है, ठीक है, तो ये सिर्फ 1 plus cos 2x ही लिखा जाएगा, क्योंकि उस 2 को आप चाहे तो यहां लिख लो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड के मल्टीप्लीकेशन में लिख दो, बहुत सारे दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी? 1 plus cos कितना? हमेशा जब ये आइडेंटिटी लगती है तो इस एंगल से यहां पर डबल हो जाता है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 1 plus cos 8x, और इसके अपॉन में क्या रहेगा? नहीं रहेगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 cos square x क्या होता है? 1 plus cos 2x, जो 2 उसके नीचे था उसका हम इधर ले आए, या आप यूं समझ लीजिए यहां भी 2 था नीचे भी 2 था, दोनों 2 मल्टीप्लाई होके कट हो गए, जैसे आपको ठीक लगे। एक बात बताइए, क्या यहां पर जितने भी टर्म्स हैं वो इंटीग्रेबल फॉर्म में है? यस, अब सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो आई हमारा क्या बन जाएगा? 1/4 cos 12x का इंटीग्रेशन बताइए, sin 12x, cos का माइनस नहीं होता, sin 12x डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। फिर cos 4x का इंटीग्रेशन बताइए, sin 4x डिवाइडेड बाई 4। फिर cos 8x का इंटीग्रेशन बताइए, डिवाइडेड बाई x, थोड़ा ठीक से लिखो, 8x डिवाइडेड बाई 8। फिर 1 का इंटीग्रेशन बताइए, x प्लस, ये इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, समझ आया आपको? ऐसे करना है। देखो जरा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब 2x+1 डीएक्स। बच्चों जरा इधर आओ, अगर आपके पास साइन क्यूब थीटा आ जाता है या कॉस क्यूब थीटा आ जाता है, ठीक है, अकेला साइन या अकेला कॉस, और उसकी कैसी पावर? ऑड पावर। साइन थीटा या कॉस थीटा और उसकी कैसी पावर? ऑड पावर। सो क्या करेंगे आप बताओ? एक एक पावर इसमें से सेपरेट कर लेंगे, जैसे यहां से मैं एक पावर सेपरेट कर देता हूं तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, राइट। तो यहां तो या तो देखो, बात मैं कर रहा हूं नॉट ओनली अबाउट द 3 पावर्स, मैं बात कर रहा हूं ओड पावर की, तो जरूरी नहीं हर बार आपके पास ओड पावर में 3 ही रहेगा, वो पावर आपकी 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, ज्यादा बड़ी वैसे नहीं होगी, मोस्ट प्रोबेबल 5 से बड़ी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां जैसे स्क्वायर बना,
तो आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर को चेंज करना है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, ऐसे, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस ओड पावर में से एक पावर सेपरेट कर देंगे, ठीक है, इनटू में जो भी इवन पावर बचेगी वो। अब जैसे इस केस में तो साइन स्क्वायर बचा, जिसको क्या लिख लिया गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर। बाय द वे यहां पर साइन फाइव होता, साइन फाइव होता तो क्या करते, यहां से साइन फोर एक्स एक पावर सेपरेट कर देते, साइन एक्स एक पावर, सिर्फ वन पावर सेपरेट करनी है। जैसे यहां पर वन पावर सेपरेट करने से साइड में क्या हो गया, कॉस फोर। अब एक बात बताओ, यहां तो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने यूज कर ली थी, क्या साइन फोर की कोई आइडेंटिटी होती है? हो तो भी हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इसको इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखना है इनटू साइन एक्स। अभी साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखना है, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और उसका होल स्क्वायर ऐसे, ठीक है। इससे आगे का प्रोसीजर मैं आपको यहां समझाऊंगा। तो ओड पावर हो, फिर वो ओड पावर चाहे थ्री हो या फाइव हो या सेवन हो या नाइन हो, बट मैं जैसे मैंने कहा कि फाइव से बड़ी पावर आपको नहीं मिलेगी, ज्यादा ही एग्जामिनर को सम को बड़ा करना है तो सेवन पावर कर देगा, बट वो भी नहीं करते हैं क्योंकि फिर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं, वो इससे एक बेसिक क्वेश्चन की पावर बढ़ा के आपसे नहीं पूछना चाहेंगे, इसको तो छोटे नंबर कम मार्क्स में देंगे और थ्री या फाइव पावर तक पूछ लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो ये भी ओड पावर का केस है, क्या करेंगे इसमें, आई इज इक्वल टू, इसको आप लिखोगे साइन क्यूब, सॉरी साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, देखो बच्चों जरा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां तक का प्रोसीजर तो मैंने आपको वहां भी समझाया था, अब इसको क्या कर लेना है, 1 माइनस cos स्क्वायर। ओहो, ठीक है बच्चों, 2x प्लस 1 इंटू ये साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू dx एज इट इज रहेगा। इसके बाद क्या करना है कौन बताएगा बच्चों, देखो ये साइन की ऑड पावर वाला क्वेश्चन था, साइन की ऑड पावर वाला क्वेश्चन था, तो कॉस की टर्म को टी पुट करना है, क्या करना है, कॉस की टर्म को टी पुट करना है, तो पुट करोगे आप इसको, इसको इस टर्म को, कॉस ऑफ 2x प्लस 1, पुट कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, पुट कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, कॉस का डेरिवेटिव बताइए, माइनस साइन, नहीं बेटे नहीं पूरे को नहीं लेंगे, माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू कॉस का डेरिवेटिव बताओ, साइन 2x प्लस 1 इंटू 2 इंटू dx, क्या बोले जा रहे बेटा सब गलत, इंटू दिस इज इक्वल टू dt, ठीक है बच्चों। हमारे पास यहां पर क्या है, साइन 2x प्लस 1, इसलिए आप साइन 2x प्लस 1 को तो यहां पर एज इट इज रखेंगे dx के साथ में, और बाकी सभी टर्म्स को कहां शिफ्ट कर देंगे, साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू dx दिस इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस 2, dt अपॉन माइनस 2। तो बताओ अपना i क्या बन गया। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है, इसको तो आपने t लिया, 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे आप, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि कांस्टेंट नंबर्स को
इंटीग्रेशन से बाहर लिखा करो। सो माइनस हाफ को तो आप बाहर लिख देंगे, तो अंदर लिखने के लिए आपके पास क्या बचेगा, ओनली dt। ठीक है, ओके। सो I इज इक्वल टू 1/2, 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेट कर दो अब इसको। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं dt है तो t, dx होता तो, ये देखना है क्या है, dt है तो t होगा, dx होता तो x होता, dz होता तो क्या होता, z, u du होता तो क्या होता, समझ गए। सो अब आप क्या करेंगे, हाफ ऑफ 1 का इंटीग्रेशन बताइए t, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, प्लस क्या लिखना है c, समझ आया। t की वैल्यू क्या है, कौन बताएगा, t की वैल्यू बताइए, cos 2x plus 1, यहां देखो cos 2x plus 1, cos of 2x plus 1, ठीक है, माइनस बताओ t बताओ, cos of, बाहर माइनस माइनस लगाओ बेटा यहां पर, माइनस cos of 2x plus 1, इसका क्यूब है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, ठीक है, ये इंटीग्रेशन आएगा। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों हमारा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो जरा, I इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। देखो साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, इस क्वेश्चन को हमें करना है। एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी बताया आपको कि साइन की ऑड पावर आ जाए तो कॉस को टी पुट कर लो, है ना, और कॉस की ऑड पावर आए तो जैसे अभी था ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा साइन की ऑड पावर थी, तो आप अपने क्वेश्चन को देखो जाके, वहां पर हमने कॉस के टर्म को टी पुट किया था, सो साइन की ऑड पावर आए तो कॉस वाली टर्म पुट होगी, और ऐसे ही अगर कॉस की ऑड पावर आए तो साइन वाली टर्म पुट होगी, ठीक है, उसको टी पुट करना है। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो साइन की भी ऑड पावर है और कॉस की भी ऑड पावर है, तो किसको टी पुट करोगे आप, तो यहां तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चाहे आप साइन को कर लो या कॉस को कर लो, ठीक है बच्चों, हाँ, लेकिन जिसको भी करेंगे मैं करना चाहूंगा साइन को, कारण मैं बताता हूं, हाँ नेगेटिव नहीं चाहता मैं, इसलिए ठीक है, दिस इज इनटू, मैं इस अगर मैं साइन को पुट करना चाहता हूं तो इस कॉस क्यूब को मैं कॉस स्क्वायर एक्स इनटू कॉस एक्स लिखूंगा, ठीक है, मतलब मैं यहां साइन की ऑड पावर अज्यूम करके नहीं चल रहा, मैं कॉस की ऑड पावर अज्यूम करके चल रहा हूं, और जब कॉस की ऑड पावर अज्यूम करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि एक पावर को सेपरेट कर दो, एक पावर को सेपरेट कर दो, इसको तो समझो ये तो साथ में आप ऐसे ही लिख रहे हो, और एक पावर सेपरेट करने के बाद जो कोस की इवन कोस या साइन की जो इवन पावर बचे उसको क्या कर देना है, इस केस में कोस स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो इंटीग्रेशन में बताया था कि जहां भी कोस स्क्वायर आ जाए तो उसको 1 प्लस कोस 2x और 1 माइनस कोस 2x करना, वो तो आप लगा ही नहीं रहे बच्चों, तब करना है जब वो टर्म अकेली हो, साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स, जब ये टर्म अकेली इंडिपेंडेंट हो तब करना है, जैसे आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए एक्स क्यूब प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है साइन स्क्वायर एक्स, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है, ऐसे केस में करना है वो आपको, ठीक है, यहां पर वो नहीं करना है, यहां पर कौन सा रूल लगेगा, साइन की ऑड पावर या फिर कॉस की ऑड पावर,
अब देखो जरा इसमें, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा इंटू में ये कॉस एक्स एज इट इज रखना है आपको, इंटू में क्या है डीएक्स। क्लियर है सबको? एक बात बताओ बच्चों, मैंने यहां पर क्या ज़ूम करके चला हूं मैं, कॉस की ऑड पावर, साइन की पावर को तो मैंने नेग्लेक्ट किया है, इग्नोर किया है। सो बच्चों यहां पर अगर कॉस की ऑड पावर है तो आप साइन को टी पुट करेंगे, किसको टी पुट करेंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू, या उधर ही कर लेते हैं, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। सो बच्चों यहां से एक बात बताओ, कॉस एक्स क्या बनेगा, कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी, कॉस एक्स डीएक्स किसके इक्वल होगा, डी टी के इक्वल। सो आई इज इक्वल टू, अपना इंटीग्रल किसके इक्वल हो गया, देखो जरा साइन को टी लिया है तो ये टी क्यूब हो गया, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स वन माइनस टी स्क्वायर हो गया, कॉस एक्स डीएक्स ये सब डी टी हो गया। नाउ आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिंप्लीफाइड, आई इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर दो बच्चों, टी क्यूब माइनस टी फाइव इंटू डी टी, टी क्यूब माइनस टी फाइव इंटू डी टी, बताओ इसका इंटीग्रेशन। अब टी क्यूब बताओ, टी क्यूब का इंटीग्रेशन अपॉन फोर माइनस टी फाइव का इंटीग्रेशन, और प्लस में टी को क्या रिप्लेस करेंगे, टी को रिप्लेस करेंगे साइन एक्स से, क्यों, क्योंकि हमने टी को साइन एक्स पुट किया था। तो ये बच्चों हो गया साइन की पावर फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर प्लस साइन की पावर साइन टू द पावर सिक्स एक्स, साइन टू द पावर सिक्स एक्स डीएक्स, डीएक्स नहीं सॉरी प्लस सी, ये इंटीग्रेशन होगा। आंसर इसका मैच नहीं करेगा पीछे से, क्योंकि मैंने डिफरेंट वे से करवाया है, ठीक है, बिल्कुल सही है, पूरे मिलेंगे, कौन नहीं देगा। पीछे वाला मैं बताऊं, एनसीईआरटी ने जो पीछे वाले आंसर दिया वो कैसे आया, देखो जी वो भी फाइंड कर लेते हैं, हाँ बोर्ड में तो कोई भी कर सकते हैं। सो जो बच्चे इसको नहीं करना चाहते वो अपना वीडियो स्किप करें और सीधे अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाएं, ठीक है, बट आपके पास ये ऑप्शन नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं, जो एनसीईआरटी में आंसर पीछे दिया हुआ है वो किस मेथड के अकॉर्डिंग दिया है। बच्चों उन्होंने क्या किया, इसको साइन एक्स कॉस एक्स इसको इकट्ठा लिख लिया, और इसकी पावर कितनी है, थ्री डी एक्स, थ्री इंटू डी एक्स। अब इसको टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दो, समझ रहे हैं आप। सो ये क्या हो जाएगा अंदर, टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, और इसकी पावर कितनी है, थ्री इंटू डी एक्स, साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू और इसकी पावर थ्री एक्स। अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, वन बाई एट, ये टू क्या हो जाएगा, एट बन जाएगा, क्योंकि पावर कितनी है इसके ऊपर, थ्री, और एट को हम बाहर लिख देंगे, एट कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। साइन टू एक्स, ये साइन टू एक्स का क्या हो गया, क्यूब बन गया, ठीक है। इससे आगे करते हैं कि भी दो मेथड होते हैं, एक बार एनसीईआरटी वाला आंसर दिखाओ, मैं उस एनसीईआरटी वाले आंसर के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं, क्योंकि इससे आगे भी इस सम को करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। कहाँ है, तो ये तुम्हारा आंसर आया ही था, देखो बच्चों
इस मेथड से हम जाएंगे, इससे भी एनसीईआरटी वाला आंसर नहीं आएगा, ठीक है। जो एनसीईआरटी का जो आंसर है वो हमारे पिछले मेथड के अकॉर्डिंग ही है, बट जैसे हमने वहां पर साइन एक्स को टी पुट किया था ना, उन्होंने कॉस एक्स को टी पुट करके किया हुआ है, तो हमारा आंसर साइन की टर्म में है, साइन की पावर सिक्स एक्स कुछ ऐसा आया था, और उनका आंसर कॉस की टर्म में है, कॉस की पावर सिक्स एक्स, ठीक है बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं है। जहां पर हमने साइन एक्स पुट किया था आपको वहां कॉस एक्स टी पुट करना है, तो आपको एनसीईआरटी वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इससे टोटली इस क्वेश्चन के चार आंसर निकलेंगे, तो चार, एक तो हमने जो पिछला क्वेश्चन किया वो उसी में हम क्या कर देते, साइन की बजाय कॉस को टी पुट कर लेते, तो दूसरा आंसर उसमें, बट उस आंसर में डिफरेंस इतना ही होगा कि साइन और कॉस का ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक इस क्वेश्चन को हम ऐसे करें और आगे इसके दो अलग अलग मेथड बनाए, हाँ, तो इसके चार आंसर, दो आंसर यहां से आ जाएंगे, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1/8। अब आप ये बताओ साइन 2x को क्या लिखें, साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x इंटू dx। इंटीग्रेशन में आंसर बदल जाते हैं, मेथड बदल दोगे आप, इंटीग्रेशन में आंसर डिफरेंट हो जाएगा। I इज इक्वल टू 1/8। अब इस क्वेश्चन में इस साइन स्क्वायर को क्या करेंगे आप, cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर 2x dx, और साथ में क्या है, साइन 2x इंटू dx। समझ आया आपको? अब देखो जरा, अगर मैं cos 2x को t पुट कर देता हूं, पुट cos 2x इज इक्वल टू t, तो ये क्या बन जाएगा, sin 2x माइनस sin 2x इंटू 2 इंटू dx, दिस इज dt, और इसको आप क्या लिख सकते हो, sin 2x dx, दिस इज dt अपॉन माइनस 2, वेरी गुड। सो I क्या बन गया बच्चों बताओ, I अपना इंटीग्रेशन जो था 1/8 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर साइन 2x, साइन 2x को क्या लिखोगे, dt अपॉन माइनस 2, तो माइनस 2 को मैं बाहर लिख दूं इसके साथ, ठीक है। सो आई हो गया बच्चों 1/16 माइनस का, 1 का इंटीग्रेशन बताओ t, माइनस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए t³/3, प्लस में क्या है c, ठीक है। सो इट इज माइनस 1/16। अब मुझे t की वैल्यू बताइए, t हमने किसको लिया था, देखो जरा cos 2x, सो यहां आएगा cos 2x माइनस t क्यूब cos क्यूब cos क्यूब 2x डिवाइडेड बाई, एक ही आंसर भी आएगा इसका जो कि पीछे बुक में नहीं है, इस टाइप का आंसर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो आप, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चों जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी के टाइप का है, ठीक है। आई इज इक्वल टू, जिन बच्चों को आता है भी वीडियो पॉज करके अपना खुद से भी कर सकते हैं, जिनको थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया है, ठीक है। साइन एक्स, बट लाइव क्लास में तो वो पॉसिबल नहीं है, साइन 2x इंटू साइन 3x dx, देखो जरा क्या करेंगे बच्चों बताओ जरा, कौन बताएगा। हाँ देखो, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था कि दो टर्म साइन की साथ में ले लो, ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप लार्जर और स्मॉलर एंगल को साथ में ले लो, एंड
विदाउट उसके भी हो जाएगा। आप साइन 3x और साइन 2x को साथ में ले लोगे तो उससे भी हो जाएगा, साइन 2x और साइन x को साथ में लोगे तो उससे भी हो जाएगा, वो तो जाएगा। बट एक काम जरूर करना, लार्जर एंगल की टर्म्स को पहले लिखना, ठीक है, लार्जर एंगल की टर्म को पहले लिखना है और स्मॉलर एंगल की टर्म को बाद में लिखना है। साइन 2x को थोड़ा सा सेपरेट कर दो, ठीक है। अब बच्चों हमें आइडेंटिटी लगानी है, कौन से वाली, टू साइन ए साइन बी, बताया था ना आज के सेकंड क्वेश्चन के साथ में ही मैंने चार आइडेंटिटी लिखी है, नहीं है तो जाओ वीडियो में पीछे। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई एन या 2 से डिवाइड करेंगे, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, बताओ क्या लिखोगे इसको, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 3x माइनस एक्स दैट इज 2x, माइनस में क्या लिखोगे, कॉस ए माइनस बी, यह हो गया कॉस ए माइनस बी यानी कि 3x माइनस एक्स 2x, माइनस में क्या लिखना है बच्चों, कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा 4x। इनटू ब्रैकेट के बाहर क्या है बच्चों, इनटू क्या है dx, ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या बन जाएगी, कॉस इंटू साइन, क्या बनेगा बताओ, कॉस 2x इंटू साइन 2x, माइनस में क्या बनेगा बच्चों, कॉस 4x साइन 2x, करेक्ट, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ। फिर से बच्चों वही दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मल्टीप्लाई में आ गई हैं, ठीक है, ये देखो क्या है, तो क्या करेंगे हम, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर की दोनों टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो गई, अगर 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों 1/4, ये 2 इंटू 2 1/4 हो गया। अब एक बात बताओ, दिस इज, ये कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है इस पे, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए 2, या यूं कहूं, देखो दोनों एंगल सेम है ना, साइन और 2x का एंगल सेम है, तो साइन ए साइन बी, सॉरी ये नहीं, साइन ए कॉस ए और यहां लिखा हो 2, तो कौन सी आइडेंटिटी बनी है, साइन 2a की आइडेंटिटी है, ये किसकी आइडेंटिटी है, साइन 2a की आइडेंटिटी है। सो इसको आप क्या लिखोगे, साइन 2a की आइडेंटिटी अगर आप इस पे लगाओगे तो ये क्या बनेगा, बच्चों ये बनेगा साइन 4x माइनस, ये बताओ 2 cos a साइन b क्या होता है, 2 cos a साइन b क्या होता है बच्चों, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, क्या होता है साइन a प्लस b, साइन a प्लस b मतलब 6x प्लस साइन, नो नॉट प्लस, माइनस, साइन ए माइनस बी मतलब 2x इंटू dx, करेक्ट, दिस इज। बच्चों इस माइनस को यहां से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस, ये ब्रैकेट यहां से हटेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे इसलिए प्लस हो जाएगा, मैं इसी स्टेप में चेंज कर रहा हूं, आप देख लीजिए इसी स्टेप में करना चाहते हैं या नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहते हैं। ऑलराइट, सो बताइए साइन 4x का इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, साइन 4x का इंटीग्रेशन बताइए, माइनस कॉस 4x बाई 4
साइन 6x का इंटीग्रेशन बताइए, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो एक माइनस इंटीग्रेशन का भी आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या बनेगा, कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6। ये जो x का कोफिशियंट है ना 6x में, x का जो कोफिशियंट है इंटीग्रेट करते हुए इससे डिवाइड करना होता है, साइन 2x बताओ, कॉस माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस में c। समझ आया, ऐसे करेंगे, चलें आगे। अब आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ऐसे ही छोड़ना चाहें ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो ये तो बात जाहिर सी है कि सब लोग छोड़ना ही चाहेंगे, फिर कोई करना क्यों चाहेगा, है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये 7th क्वेश्चन है, ये इसी टाइप का है, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप का है, या हम इसी क्वेश्चन में देखें, जैसे ये पार्ट किया है ना हमने, ये पार्ट इस टाइप का है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। बस इतना सा ही होगा, ये 3 स्टेप का ही क्वेश्चन है 7। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में एक्चुअली। 1 cos x अपॉन 1 cos x, 1 cos x अपॉन 1 cos x, क्या करेंगे इसमें बच्चों। देखो डिवाइड, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप की टर्म हो तो हम इंटीग्रेशन जानते ही नहीं है, ठीक है। I इज इक्वल टू 1 cos x को बच्चों आप लिखेंगे 2 sin² x/2, और 1 cos x को क्या लिखेंगे, 2 cos² x/2, क्या लिखेंगे, 2 cos² x/2 (dx), ठीक है। कट हो गया 10 square x by 2 (dx). उसके बाद क्या करेंगे, 10 square को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन में टेंजेंट स्क्वायर अकेला कहीं भी आ जाए उसका मेथड तो एक ही होता है, secant square x by 2 - 1, secant square x by 2 - 1 (dx). क्या होगा अब इसका इंटीग्रेशन, secant square का इंटीग्रेशन बताओ, 10 x/2। लेकिन एक बात और है, x के कोफिशियंट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, सो 1/2 से आप डिवाइड करेंगे, माइनस में 1 का इंटीग्रेशन बताओ x प्लस c। और बच्चों ये डिवाइड भी हाफ है, ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो ये आपका इंटीग्रेशन आएगा। चलो देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन भी। इंटीग्रल इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 cos x, देखो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कौन बताएगा बच्चों, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 cos² x - 1 लिख सकते हैं, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 cos² x/2 आना चाहिए था यहाँ पर, 2 cos² x/2 - 1, और नीचे वाले cos x को भी यही लिख देते हैं, 2 cos² x/2 - 1, ठीक है। cos x को क्या लिख दिया मैंने,
कॉस एक्स की एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, कॉस टू टू थीटा वन माइनस नहीं टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, 2050 माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये आइडेंटिटी मैंने यहां पर लगाई कॉस एक्स पे, तो क्या बन गया ये टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। वन को यहाँ के वन से कट कर दो, सीधा भी लिख सकते थे। मैंने सोचा कि ऊपर ये आइडेंटिटी लगाई है तो नीचे भी यही लगा दूं, ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, तो आपको कट नहीं करना पड़ता, फाइन, डायरेक्ट आपका ये आंसर आता। अच्छा बच्चों, अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को अलग अलग डिवाइड कर दो, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, और नीचे क्या होगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और इस वन के नीचे भी टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। क्या ये आपको समझ आया बच्चों? टू से यहां टू कट कर दो, कॉस स्क्वायर से कॉस, अच्छा टू क्या पूरा ही कट हो जाएगा, तो यहां सिर्फ वन बचेगा, क्या बचेगा माइनस, ओहो ये गलत लिख दिया बच्चों, यहां पर सिर्फ टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। सो ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया, अच्छा इस कॉस स्क्वायर को आप ऊपर लेके जाओ, अकेले कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को ऊपर लेके जाओ, ऊपर जाके क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, दिस इज इक्वल टू वन का इंटीग्रेशन बताओ x माइनस हाफ, ऐसे ही रहेगा, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बताओ टेन एक्स बाई टू, कितना टेन एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस में क्या है c, समझ आया? एक चीज रह गई, x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करोगे हाफ, तो इस हाफ से ये हाफ कट हो जाएगा, आंसर आपका क्या आएगा x माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, चले आगे नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन बच्चों। इंटीग्रल ऑफ साइन टू द पावर फोर एक्स dx, साइन टू द पावर फोर एक्स dx इसका इंटीग्रेशन बच्चों। जब कभी भी इवन पावर आ जाती है, जब कभी भी इवन पावर आ जाती है, साइन या कोस के ऊपर कैसी पावर आ जाए इवन, तो क्या मेथड यूज करते हैं? यही मेथड यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको क्या बताया है साइन स्क्वेयर एक्स, इसको क्या चेंज करना है वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ये इवन पावर ही तो थी, कॉस स्क्वेयर एक्स को क्या चेंज करना है वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू, ये इवन पावर ही तो है, करेक्ट। सो इवन पावर के केस में आप क्या करेंगे, अब यहां पर फोर आ गया तो आप उसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर, और फिर यही वाले मेथड यूज करेंगे, राइट। सो साइन स्क्वेयर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वेयर डीएक्स, ठीक है, वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये आप लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू बच्चों ये टू का स्क्वेयर क्या हो जाएगा वन बाई फोर, टू का स्क्वेयर क्या हो जाएगा वन बाई फोर, और इस वन माइनस कॉस टू एक्स का भी होल स्क्वेयर ओपन कीजिए, सो ये वन प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर टू एक्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर लगेगा इस पे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, तो टू ए बी क्या आएगा यहाँ पर टू इंटू ए कितना है वन, उसको तो हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे नहीं, कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब बाकी टर्म्स तो हमारे पास इंटीग्रेबल है, एक टर्म ऐसी है जो इंटीग्रेट नहीं हो सकती,
cos square 2x, क्योंकि square cos square का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, cos square के इंटीग्रेशन के लिए ये वाला मेथड फॉलो करना पड़ता है। सो बिफोर इंटीग्रेशन हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, 1 by 4, 1 plus cos square 2x, इतना है, क्या लिखेंगे, 1 plus cos 4x divided by 2, कौन सी आइडेंटिटी, cos square theta is 1 plus cos 2 theta upon 2, तो यहां पर थीटा के जगह कितना है, 2x है, ठीक है, दिस माइनस 2 cos 2x into dx, सो so, i क्या बना बच्चों, 1 by 4, आप देखो जरा इंटीग्रेट कर ही देते हैं इसको, क्या लिखेंगे, 1 by 4 तो ऐसे ही रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन बताओ, हाँ लाएंगे 1 का इंटीग्रेशन बताओ x, बच्चों इन दोनों के नीचे ये 1 by 2 है, मतलब ये दोनों के नीचे है, 1 के नीचे भी है और cos के नीचे भी है, अगर मैं 1 को इंटीग्रेट करता हूं तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और उसके नीचे 2 भी तो रहेगा ना, क्योंकि ये 2 तो दोनों का डिनोमिनेटर था, ठीक है, अच्छा cos 4x का इंटीग्रेशन बताओ, sin 4x, cos 4x का इंटीग्रेशन, अच्छा डिवाइडेड बाय 4 भी करेंगे, और जो ये 2 है ये तो इसके नीचे भी था, इसका भी डिनोमिनेटर था cos का, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, माइनस में 2 cos 2x का बताओ, sin 2x by 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, sin 2x डिवाइडेड बाय 2, दिस, ले जाओ 4 को अंदर, क्या लिखेंगे,